आज सवेरे 8:30 बजे हमारे भाई अदगर पाशा की बेटी को कुतुब नाम का छोकरा मर्डर कर दे लिया। करने का रीजन क्या करके बोले तो उन्हें बात बात में तकलीफ देना बच्ची को, घर में जाको मैं घर बन रहा हूँ, घर के वक्त पैसे होना और गाड़ी होना, ऐसा करके बल्ला का टार्चर करता था। 6 महीने पहले उनके घर के बड़े जिम्मेदार पूरे मिलको बच्ची घर को आ गई थी, मैं नहीं जाती करके बोली। फिर समझा को उसे जो है जा बेटे हमें क्या है, इसकी तरह मतलब हल कर देंगे। 6 महीने से जो है बच्ची घर में थी, छोटा मोटा तकलीफ सह लेती थी, बाबा को कब की क्या कि एक बार फ़ोन में बोलती। उसके बाद आज सवेरे क्या हुआ कि नालायक जो है कुतुब नाम का शख्स है और कौन भी नहीं उन्हें साली का बच्चा जो शादी कर लिया है अदगर साहब की साली का बेटा, उन्हें खाला की बेटी को शादी कर लिया है। सो अब करे बाद में आज था मर्डर को से जो है एडमिट कर हॉस्पिटल को ले लेगा को ये कर कहीं पोस्टमार्टम चल रहा है बच्ची का। हमें सब पूरे मोहल्ले के जिम्मेदार उनके चिचा और भी हमारे शहर के जो जिम्मेदार हैं उन सब पूरे मिलकर 5 बजे से जो हांच हैं जो भी होता है इंशाल्लाह हमारे तफसील से हमारे हिंदू भी हैं उनके ताया चांद पाशा साहब हादसे का शिकार जो है ना उसे औलाद कुछ लड़की को 5 महीने की अमिला में है बच्ची। वो कितने महीने हुआ शादियों को, महीना या साल? 3 साल होता है लगभग। 3 साल 4 साल इसकी तफसील हमारे उनके ताया सब बात करें। 4 साल से ज्यादा शादी हो गया, शादी 4 साल हुआ है। बोलो तुम्हें क्या है अपने तरफ से? शादी हो गए 4 साल होता था, 4 साल से छोटा मोटा क्या की मसले आते थे। मैं हंजा जामा सबर करे अल्लाह खैर का करता है करके बच्ची भी बल्ला का सबर कर लेती। इस बीच में बच्ची को पैसे ले ले कहो ये करो दुकान में बल्ला में भोगा जी दाल को जो कहीं का दुकान है वर्कशॉप के पास के वर्कशॉप थे वर्कशॉप भोगा दी खास कर को जो मंजर कर को और घर बन रही हमें घर को कासा घर को ऐसा टॉर्चर बच्ची मारा तोड़ी बच्ची भी हुए बोलती है अंदर जामा क्या है इसकी ये करेंगे मतलब घर को हमें भी बोलना और हमारा सबसे ज्यादा हमने एक उम्मीद क्या थी घर को कलरा भाई ना रिश्तेदारी खाला ना कर लग गई है तो वो एक अपना लेते हैं क्या भी वैसा नहीं जरे दिन क्या किया था घर को हमने एक उम्मीद थे वैसा नहीं नाहक कर रहा है हमारी बच्ची जानता है ये लोग कैसा कर रही को बोले तो ये बेगो बच्चा के वास्ते में हमें कोसा भी देख रही नहीं क्या की रिश्तेदारी ना ये ना को बोल को देखो कर रही अल्लाह इनको बच्चा को ऐसा बेगो बच्चा के वास्ते में ये ऐसा ऐसा कदम उठाना ये लोग को ये कोलार में खास कर ऐसा हादी से बल्ला की होगी बहुत होगी ये हमें क्या की ना को बोल को छोड़ने को जो जारी ये बहुत बड़ा ये हो जा रहा है। ये चीज के वास्ते में सब जने भी कोलार शहर के हमारे बड़े जो है उनसे भी इसे कदम उठा को ये सीजन को क्या करना को बोले तो करे तो बेहतर है नहीं को बोले को तो ये कोलार में बेको बच्चे को देना ये नहीं होता ऐसा तक लेती बेको बच्चे को घर में ऐसे ऐसे हादसे सुने तो माँ बाप कौन भी करते नहीं किसी भी अच्छे घर के बच्चे भी बदनाम हो जाती सब बदनाम हो जाती ऐसे नाला खास है ऐसे इनको सजा सख्त सजा दिला को इनको क्या करना की करे तो हमारे जिम्मेदार है उन सभी साथ रखो करे तो उनको बेहतर है को बोल को मेरी एक गुजारिश है बड़े अभ्यास है सभी। 6 या 7 महीने पहले ऐसे हादसा कोलार में 3 या 4 हुए थे उसके बाद आप लोग जो हमारी दिन शहर हुआ करते थे एक पहल चलाए गाँव में उसके बाद जो दूरी ज्ञाप पी उसके बाद ये पहला हादसा तो तुम्हें क्या बताती है आपका सबसे पहले वो गम के जो हमारे दोस्त बाबू साहब कुरेशी हिना वो मेरे दोस्त उनके छोटे भाई असगर साहब की जो लड़की का वाक़ हुआ वो सुनकर बहुत गम के साथ हमें यहाँ 4 या 5 बजे जा गए और यहाँ आने के बाद आंखों में आंसू आ गए क्योंकि पोस्टमार्टम के लिए अगरचे वो सिर्फ वो बोल रहे थे वो कोई हाल से बच्चा के बाहर बच्चे को निकालना ही पड़ेगा अगर कोई अच्छे में क़यामत के आसार आई है। और मैं एक अच्छी बात आपसे बोलता हूँ मेरे माँ बहनों से मैं गुजारिश करता हूँ कोलार के अगरचे अपने बच्चों को दिए ही तो अपने बच्चों के ऊपर जुल्म हुआ है अगरचे वहाँ मस्जिद है वहाँ के जिम्मेदार हैं वहाँ के काउंसलर्स हैं वहाँ के लीडर्स हैं
खून को सुन रहा सुनाओ, क्योंकि आज जो देख रहे हैं खून में तो खून के आंसू आ रहे हैं, और दूसरे कौन भी नहीं, अपनी सगी बहन कर लेके जाके है, खाला कर लेके जाके है, अगरचे गैरा भी नहीं करती, ये क्या मुझे खाला है, अगरचे उन्होंने अगरचे सही रहते क्योंकि उसमें है, उसको एकदम इस्लामी शरिया से विश्व चुका को उसके खून रेजी करना था, छुपने खुद तो मार के छोड़ दे, ऐसा नहीं है। मैं अपील करता हूँ पूरे मेरे मां भाना से, कोलार के अंदर अगर जो काम भी अपने बच्चों के ऊपर जुलुम चल रहा है, कलाटा हो रहा है, अगर जाको तुम्हें बोल को समझा को भेजो नको, वहाँ की जिम्मेदार काउंसलर हजरत रहते ही, मस्जिद के सदरा रहते ही, मस्जिद के मेंबर्स रहते ही, गाँव के मोहल्ले के लीडर्स रहते ही, इनको सुला इनको बुला के उसके बाद बात करके भेजो, नहीं तो ये नौबत आने आपको नहीं देना, सब आपकी गुजारिश करता हूँ। और ये क्या है मेरी समझ में, आप ये मेरी समझ में आ रहा है ये क्या रिश्तेदार, ये क्यामत क्या सारा है, खान की बेटी क्या अपनी बेटी क्या, खान की बेटी क्या अपनी बेटी क्या, ये रकम का जुलूम चल रहा है। मैं बहुत गुजारिश करता हूँ मेरे बाँ भाना से, अगर जो अपने बच्चों के ऊपर जुलूम है तो अमचूमन है, मस्जिद है, सब नहीं मस्जिद के जिम्मेदार है, आपसे उनको बोल को अपना दर्द सुख करके आपको वहां से मालूम कराइए। ಇವತ್ತು ಕೋಲಾರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:00 ನಮಗೆ ಶಂಕೆ ಇದೆ, ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಹೆಣ್ಮಗುವನ್ನ ಕತ್ತಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಮಗೆ ಶಂಕೆ. ಏಕೆ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಮೃತದೇಹನ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಅಕ್ಷರಕ್ಷರ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಾಪ ಇವತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಇದರಲ್ಲಿದ್ದರು, ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರಿಯಾದ ಟೈಮ್ಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಈ ಹುಡುಗಿನ ದಫನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ನಗರದ ಎಲ್ಲ ಮಸೀದಿ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಪೂರ್ವಪಿತೃಗಳು ಸೇರಿ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಅನಿಷ್ಟಗಳು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ನಡೀಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿಂದ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಹೀಗೆ ಒಂದು 6 ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಅಮಾಯಕ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಬಲಿಯಾದರು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲೂ ನಾವು ಒಂದು ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಇದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಅವತ್ತು ನಾವು ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಸಮುದಾಯದ ಆಮೇಲೆ ಇಡೀ ನಗರದ ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಟಿಬದ್ಧರಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಲು ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ.